क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 46 श्री मुकुल वासनिक। ऑनरेबल मिनिस्टर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 श्री संत बलबीर सिंह। ऑनरेबल मिनिस्टर सप्लीमेंट्री वन मानयोग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो क्षेत्र परिवार भलाई मंत्री से की सरकार को देश के दिमागी तौर पर कमजोर और अपाहिज बच्चों बारे जानकारी है, जेकर हां तो पिछले 3 साल राज अनुसार वेरवा मणिपुर बोली सर मणिपुर मणिपुर की सरकार मणिपुर की हत्या है कारण दसो जाए मणिपुर राजस्थान छत्तीसगढ़ मणिपुर सर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है सर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं सुन नहीं पाई सर ठीक से, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अलग अलग माध्यम से मेडिकल हेल्प की जाती है, एजुकेशन की भी हेल्प की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर एजुकेशन और फैसिलिटीज के लिए मदद करता है, और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से कुछ योजनाएं चली जाती है, और उसके साथ सर हेल्थ विभाग से हमारा RBSK का स्कीम है जिसमें सर स्क्रीनिंग होता है अलग अलग लेवल पे, और जो बच्चे पाए जाते हैं उनको मदद की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट रिक्वेस्ट है मणिपुर पर चर्चा हो सभी सांसद मांगे सप्लीमेंट्री वन क्वेश्चन नंबर 49 डॉक्टर CM रमेश 49 सब लोग ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द हाउस ये प्रश्न तो आ रहे हैं ना आप सर whether steps like essential drugs will affect the price control in place of essential medicine and steps taken by the government to maintain affordability of these drugs in the interest of the patients and how many jan aushadhi shops has been opened in India. Honorable minister mohoday sarkar ka mananiya pradhanmantri ji ka kehna hai sabka saath sabka vikas sabka vishwas sabka prayas और हम एक स्वास्थ्य का अंत्योदय कर रहे हैं। जहाँ तक माननीय रमेश जी ने चिंता व्यक्त की है गरीबों को सस्ती दवाई मिल सके, इस अवसर पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि 9512 जन औषधि केंद्र पूरे हिंदुस्तान में खोले गए हैं जिस पर जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, और बाजार की तुलना में 50% से लेकर के 90% तक लोगों को उसमें बचत होती है। और केवल 2023 में चेयरमैन सर 679 करोड़ रुपए की जो बचत हुई है, और लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया है। एक दूसरी योजना है अमृत योजना, पहला आउटलेट अमृत फार्मेसी का 15 नवंबर 2015 को
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से खुला था और इस समय 149 अमृत फार्मेसी पूरे देश में है और उसमें खास तौर से कार्डियो से संबंधित मरीजों के लिए और कैंसर के मरीजों के लिए लगभग 50% कम पैसे की बचत होती है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल मिल रहा है, जिस प्रकार से 9 करोड़ को गैस सिलेंडर मिल रहा है, जैसे 3.5 करोड़ लोगों को आवास मिल रहा है, जिस प्रकार से 8.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसी प्रकार से जो है ये अमृत फार्मेसी के द्वारा और आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप देख रहे होंगे कि 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का उनका 5 सितारा टाइप के जो अस्पताल हैं उनमें भी इलाज है। हम सबको मरना है लेकिन मोदी काल में इलाज के अभाव में कभी भी कोई जो है उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। Under central and state government to increase the production of the essential drugs to break the monopoly of private pharma companies. जो फार्मा कंपनी अपना पैसे तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं, तो उसमें जो शेड्यूल दवाइयां हैं उसका हमारा नियामक संस्थान है वो तय करता है। नॉन शेड्यूल जो कंपनी दवाइयां हैं उसका वो तय करते हैं, लेकिन उनको तो पूरी तरह से स्वतंत्र अपलोड नहीं रखते हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है। और अगर वो इंक्रीज भी करेंगे तो 1 साल में 10% से ज़्यादा प्राइस वो नहीं बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि मोनोपोली उनकी नहीं रहेगी। दूसरा, मोनोपोली इसलिए भी नहीं हो सकती है कि फार्मेसी में बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है और अब उपभोक्ता भी जागरूक हो चुका है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास तमाम संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50, श्री नारायण दास गुप्ता। श्री नारायण दास गुप्ता, क्वेश्चन नंबर 50। परिवार संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में क्या जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जनजाति क्षेत्रों की रहन सहन पारिवारिक स्थिति भिन्न है, इसलिए मुझे लगता है कि जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए और इस और जिन जो सैंपल लिया जाता है उसमें सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए, यही मेरा मंत्री जी से सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल आदरणीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि NFHS डेटा जो है वो एक क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ सेक्टर में किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर भी करता है।
और ये NFHS डेटा जो लास्ट ईयर का 1921 का हुआ है वो 707 जिलों में हुआ है और जिसमें कि सभी क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए सर्वे होता है जिसमें जनजाति क्षेत्र भी होते हैं। सर सभी का विकास करना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस माध्यम से अगर हम सोच रखते हैं मुझे लगता है ये सैंपल और ये सर्वे सभी क्षेत्रों में होता है, खास करके ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे जो जरूरतें हैं वो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सर्वे एक साइंटिफिक सैंपलिंग के माध्यम से जो नीतियाँ तय करनी होती है, मदर चाइल्ड डेवलपमेंट हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ सेक्टर के अलग अलग नीतियों को निर्धारित करने के लिए ये NFHS डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के द्वारा हम परिवार की प्रवृत्तियों को जानते हैं, पति पत्नी संबंध हो या फर्टिलिटी का संबंध हो या महिलाओं की आजादी हो, तो मैं जानना चाहता हूं, चूंकि भारत में धर्म की अहम भूमिका होती है पारिवारिक जीवन को तय करने में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती हैं, उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूँ क्या नेशनल इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाता है और शामिल किया जाता है क्या उन धर्मों विशेष को शामिल किया जाता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर है, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि। सर मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि भारत विविधता भरा देश है, यहाँ अनेक जाति पंथ के समाज रहते हैं और ये डेटा सभी को सभी का सर्वे कराता है। जब NFHS 5 डेटा का सर्वे हुआ तो उसमें लगभग 6,36,000 हाउस होल्ड का सर्वे हुआ जिसमें कि रूरल में जो 4,76,000 हाउस होल्ड थे और अर्बन में 1,60,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड सर्वे हुए। सर ये किसी जाति धर्म से परे सबको लेके ये सर्वे होता है, 707 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सर ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ये इतना सबसे लार्जेस्ट सैंपल हाउसहोल्ड सर्वे है कि जिसमें अलग अलग नीतियों को तय करने के लिए सर्वे होता है जिसमें सभी जातियों का भी सर्वे के माध्यम से विवरण किया जाता है कि कौन सी स्कीम अच्छी साबित हो रही है। सर जब हम नीतियां तय करते हैं तो वो पॉलिसी के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ये सर्वे के लिए निर्देश दिए जाते हैं जो सभी को सभी जाति धर्मों को इसमें समाविष्ट करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 54 श्री प्रमोद तिवाड़ी। प्रमोद तिवाड़ी ऑनरेबल मिनिस्टर। श्रीमती सुलाता देव ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर क्वेश्चन नंबर 55। सभापति महोदय, सभापति पर रखा गया सप्लीमेंट्री वन। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू सो मच सर, चेयरमैन सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, द शेयर ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द टबाको एंड अलाइड प्रोडक्ट्स इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। माननीय सभापति महोदय, जो 21-22 तंबाकू और उत्पादों में GST प्रतिभूति कर उपकर मूल्य तथा उत्पादक शुल्क NCD लगभग 62,600 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था और 22-23 में 72,789 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। सेकंड सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर। यस सर whether the share has been increased from the previous financial year, the state and union territories from which maximum taxes have been collected in the lieu of the said product. Honorable minister सभापति महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 मिस सरोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 56 ऑनरेबल मिनिस्टर सप्लीमेंट्री नंबर 1 ऑनरेबल मेंबर। कुपोषण भारत की एक गंभीर समस्या रही है और कुपोषण में
अभी भारत बदल रहा है ये दिखाई भी देता है। मैं सरकार को साधुवाद देती हूँ, बहुत विस्तृत उन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित बच्चों का प्रतिशत है वो राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष योजना चलाई जाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सांसद आदरणीय सरोज जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। सर, हम कुपोषण को लेकर बहुत ही गंभीर रूप से सरकार का ध्यान है और काम भी कर रहे हैं। सर, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माता को उपलब्धि की जा रही है, जननी सुरक्षा योजना हो या जननी शिशु सुरक्षा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से, ताकि पहले ही वो डायग्नोसिस हो कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो माता और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर अनेक योजनाओं के माध्यम से नरिशमेंट के लिए भी ध्यान रखते हैं। सर, पोषण अभियान के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट भी चलाई जाती है, तो हमारी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के माध्यम से भी उनको न्यूट्रिशनल का कंसेप्ट दिया जाता है, और विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशनल डेज जो होती है ये ग्रामीण इलाके में चाइल्ड केयर के लिए, ये कन्वर्जेंस के लिए ये मंत्रालय के माध्यम से भी ये योजना चलाई जाती है। सर, ऐसी अनेक योजना, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से 0 से 18 एज का जो एज ग्रुप है उसमें सर स्क्रीनिंग होता है। सर, आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्क्रीनिंग करती है, आशा बहनों के माध्यम से भी ये स्क्रीनिंग होता है, और अगर कुपोषित है, अगर माल नरिष्ट है, तो उन बच्चों के लिए योजना के माध्यम से भी उन्हें मदद दी जाती है। ऑनरेबल मेंबर, सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने योजनाओं की बहुत विस्तृत जानकारी दी। कुपोषण एक समस्या है और भारत सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने जिन योजनाओं को लाया है वो सभी योजनाएं धरातल पर हो। मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि मातृ और बाल संरक्षण कार्ड योजना जो लाई गई है, ये योजना अपने आप में बहुत अनूठी है। इस योजना के लिए जो पोषण संबंधी दूर करती है, तो पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए जो ये कार्ड योजना लाई गई है, इसको हम नीचे तक उतारने के लिए क्या कोई विशेष अभियान चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छी योजना है। आदरणीय सांसद महोदय ने जो मुद्दा उपस्थित किया है कुपोषण को लेके, उसमें सर मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल कंसर्न इन द चिल्ड्रन। सर, ये दोनों मिनिस्ट्री के माध्यम से पोषण के दृष्टि से ये दिया गया अभियान है, और ये जरूर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको नोडल ऑफिसर रहते हैं जो कि एक मॉनिटर करते हैं। हमारी आंगनवाड़ी के माध्यम से भी और हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से, हमारी आशा बहनों के माध्यम से, ये बच्चों को कुपोषित है तो उनका वजन लेना हो, अगर कम है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए तहसील तालुका प्लेस और जिला लेवल तक मदद की जाए। और सर, ऐसे सेंटर्स भी है कि जो कुपोषित बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी जिले में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना। ऑनरेबल मिनिस्टर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। सप्लीमेंट्री नंबर वन। राजस्थान में सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, वो संपूर्ण कर्ज माफ हुआ नहीं, उसके कारण बहुत लोगों ने आत्महत्या की, और राजस्थान सरकार ने बहुत से किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया, कुर्क कर दिया। क्या केंद्र 20,000 किसानों की जमीन को कुर्क कर दिया, क्या केंद्र सरकार राज्य को निर्देशित करेगी ताकि किसानों को राहत मिल सके, उनकी जमीन कुर्क नहीं हो और उनका लोन माफ हो सके? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभागार को बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो बजट डिक्लेयर किया है, वो बजट में एग्रीकल्चर फंड बोल के 20,00,000 करोड़ दिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अलाइड बिजनेसेस जैसे डेयरी हो, पोएट्री हो, शिप हो,
ये सभी के लिए ये फंड डिक्लेयर किया है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है वेविंग ऑफ द लोन इन राजस्थान, तो मैं बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार के माध्यम से कौन सा भी किसान का कर्ज पिछले 3 साल में माफ नहीं किया है और ऐसी कोई सीम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ जो किसानों के लिए जो सरफेसी एक्ट रहता है वो सरफेसी एक्ट नहीं रहता है। जो किसानों ने लोन लिया है तो किसानों का सरफेसी एक्ट नहीं रहता है और इसलिए किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, किसानों ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री, किसानों के कृषि बीमा योजना में राजस्थान में बहुत जबरदस्त घोटाला है, किसानों का पर्याप्त कृषि बीमा नहीं मिला, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी वहां भेजे जो जांच करे कि किसानों के बीमा के नाम पर जो ठगी हो रही है उसमें कार्रवाई की जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री किसान फसल योजना जो है, जो योजना बीमा योजना जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को पैसे मिल रही है, राशि मिल रही है। इतना ही नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अच्छे तरह से जो रजिस्ट्रेशन किया है उनको पैसा मिलता है, लेकिन इनके साथ जो किसानों को जो राहत मिल रही है, जैसा किसान क्रेडिट कार्ड हो, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद मिलती है, बाद में इनाम के भी होते हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से किसानों को मदद हो रही है। अभी क्वेश्चन जो पूछा है जिसमें जो राजस्थान में फसल बीमा नहीं है तो राजस्थान में कौन से कंपनी को जो मिला चुका है, जिसमें प्राइवेट कंपनी भी रहती है और सरकारी कंपनी भी रहता है, तो वो जो उसके राजस्थान के गवर्नमेंट के तरफ से रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर डिसीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, श्री रामनाथ ठाकुर, ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने खुद ने किया है, जल शक्ति मंत्री ने, ऑनरेबल मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 58, ऑनरेबल मिनिस्टर, श्री रामनाथ ठाकुर, मणिपुर, क्वेश्चन नंबर 59, श्री मानस रंजन मंगराज, क्वेश्चन नंबर 59, श्री मानस रंजन मंगराज, ऑनरेबल मिनिस्टर, चेयरमैन साहब जो आप सभा पटल पर रखा दे, सप्लीमेंट्री वन, क्वेश्चन नंबर 60, श्री सुजीत कुमार, एब्सेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर्स, सेट डाउन, प्लीज टेक योर सीट, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, प्लीज मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज टेक योर सीट, ऑनरेबल मेंबर्स, क्वेश्चन आवर इज द हार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री वर्किंग, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन, वन सेकेंड, क्वेश्चन आवर जेनरेट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्वेश्चन आवर परमिट्स एवरी मेंबर ऑफ द हाउस टू सीक आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट, द क्वेश्चन आवर इज हेल्पफुल टू द पीपल एट लार्ज,
question hour is important for the government also, because government gathers input and response. I would urge the honorable members to maintain order in the house. It will not be easy. Honorable members, honorable members, we will have to have zero tolerance for lack of decorum and lack of discipline. Decorum and discipline have to be our hallmark. Mr. Surjewala, take your seat. को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री का बयान हो, उस पर सदन में चर्चा हो, इस पर हम आग्रह कर रहे हैं। I'm reacting. जो स्थिति, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, प्लीज, टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, मिस्टर पी चिदंबरम रेज दिस इश्यू. And he raised the issue with his old experience of having got into parliament in mid-80s. I was little surprised and stunned when he said, how can you do it? Now coming as it does from a man of experience who has held senior positions in the cabinet, how could the chairman do it? I would appeal to him to look into the rationale as to why I have done it. And I'm sure you'll find a way out of it. But such kind of extreme, intemperate, inappropriate expression for the chair emanating from such a senior member surely are not wholesome. Number one. Number two. Why are you jumping on your seat? Mr. Jairam Ramesh, don't jump on your seat. You see, younger members of the house have to learn from seniors, and I have to learn from the members. I have to learn from members. I learned from Mr. Derek O'Brien. He made a point. The point was rational. I corrected myself. I am appealing to you whether it is justified for a senior member like Mr. Chidambaram to pose a question to me, how can you do it? I expected from him milder expression, rational expression, considerate expression, but certainly not this. I have taken a view in all fairness. I can't understand if both of you speak. One second. First, let your members sit down and then make a... Mr. Chidambaram, honorable member, has actually praised you. He has said rightly, 267 before 176. Please look at the record. Don't expunge the record. Please look at the record. Don't expunge. One second. Now, take your seat. Does it... Mr. Jairam Ramesh, you think everyone in the house needs your counsel to make a point. He can do it in his own right. Honorable members, one second. Honorable members, Mr. Chidambaram is a legal luminary, is a senior advocate, a very senior member of the house. Before reacting, I studied every word. He is concluded by saying, how can you do it? Now, that can't be countenance. I am so sorry. Okay. Let Mr. Chidambaram. Only on this point. Mr. Chidambaram, only on this point. Only on this point. Oh, yes. Please look into the record. Panditji, that's it. Come on!
Mr. Chairman, I cannot have this barter system. I will have to go by the real fact situation. If it requires a response from other honorable members, I may open the floor for them. But surely it is between you and between him and me at the moment. Thank you, sir. Let him. Mr. Chairman. Sir. Sir, exactly on the point, sir. On this point, I appeal to you. Can I make a suggestion? I appeal to you. 1 second, sir. Sir, take his life. A hearing in the Supreme Court on Monday and Friday, which means very limited time and on the point. I'm on this point. I appeal to you to look into the exact words that I used. I said you've appreciated the point made by Mr. Derek O'Brien, and I said rightly, with great respect to you, rightly appreciated the point and ruled that Rule 267 motion will take precedence over any other rule. Yes. Having said that, yes, there are 51 fresh motions today. Yes. 51 fresh motions today. How can they be overruled by something that happened 3 days ago under 176? You are contradicting yourself. How can you do that? So please read, look at the entire record. No, no. One second. Now, one second. Please take your seat. Honorable members, I heard Mr. Chidambaram with great attention. Every member is entitled to that attention. When he said very rightly, I intervened, that I am beholden to Mr. Derek O'Brien. He spontaneously pointed out, and very rationally, that if you give precedence to 176, then 267 has no meaning. Because 267, if allowed, can capsize 176. So I indicated to you, the credit goes to him. I have, with modest intellect, appreciated it. But sir, if you will look into the record, having said that there are 50 notices, not 51. The 51 was for Gyanwati. It was different for the mosque. You directly challenged the chair, sir. You said, how can you do it? No, number one. You said, sir. No, sir. No, sir. No, 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 sir. I know. Number one. Number two, you were in governance for 10 years, preceding this, 10 years. If 267, 50 number, have you seen earlier? Scratch your memory, sir. Number one. Number two, on Manipur, I have already accepted the notice, fully in accord with Rule 176. The Honorable Minister had spontaneously agreed for a discussion. Other notices are pending. Sir, sorry, sir. Yes, sir. Leader of opposition. 1 second. Please, sir. Please give full attention to what leader of opposition speaks. Please. Dhanyawad. Please. जो मैं नोटिस दिया था 267 पे, उस 50 में मेरा तीसरा नंबर है सर. वो टाइम से होता है सर. अदरवाइज यू आर नंबर वन इन माय हार्ट सर. यू आर नंबर वन इन माय हार्ट. आई नो दैट योर हार्ट इज वेरी लार्ज, बट दैट इज दैट साइड, नॉट दिस साइड. Heartless people, sir. Who are helping them? Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. You never see, sir, this side. Your heart goes that, sir, side only. I can never score a point because you have a huge experience. I don't think anyone in the house can match it. Okay, sir. Thank you for your good sir, words. Sir, what's the point, sir? मेरा point यही है सर. देखिए, जब इतने लोग, इतने representatives 267 के तहत notice सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है. इस सदन में भी
जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया मींस ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया ऊपर जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। ओके, प्लीज 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 नाउ लेट लीडर ऑफ अपोजिशन होल्ड द फ्लोर नाउ। गृह मंत्री दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे, तब क्यों इनके एमओएस से जवाब दिया, तब कहाँ पे थे इनके मंत्री, तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलता छिपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे है वो कारनामे सामने आए, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पर भी चर्चा हो, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना हो रही, महिलाओं का बलात्कार हो रहा, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय बहुत लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज प्लीज नाउ टेक योर ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, आई परमिट लीडर ऑफ अपोजिशन टू होल्ड द फ्लोर एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक टू देयर सीट्स। प्लीज वन सेकंड सर, प्लीज 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 टेक योर सीट सर, प्लीज टेक योर सीट सर। आप तो भलीभांति जानते हैं कि मैं जब बात कर रहा हूं, आई एम ऑन माई ओन लेग, एंड यही बोल रहा हूं, ऑन माई ओन लेग मैं हूं, तो सर द एंटायर वर्ल्ड नोज यू आर ऑन योर ओन लेग। नहीं नहीं नहीं, यू आर प्रूडेंट, ये देखो देखो, सर यू आर प्रूडेंट, you are on your leg literally and figuratively, unko modi ke parata sir, your legs are very strong, they are energetic, dhar dao modi ke paar pe dhar de, honorable members are chartered accountant, cannot reflect on physical aspects of woman body, so legs are strong, they are literally strong, they are figuratively strong, they are impactful. Sir, go ahead. Okay, what is your point of order? Leader of the opposition with rapt attention all the ruling party members. No, what is your why point? Why don't they have patience to hear the leader of the house? That is my question. What is your point of order? And how much? No. Yes. What is the point of, under which rule? Professor, under which rule? 238. No. One second. 238-4. I am not that fast. Rule 238, sub-clause 4, then go to the explanation. One second. Sir, let me explain.
I, leader of the house, with due respect, is equating Chhattisgarh, Rajasthan. There is no genocidal impact in Chhattisgarh, Rajasthan, but Manipur has a genocidal intent. This is 238-4. Please. Yes, Dr. Shamsuddin, please. Point of order as per rule 258. 258? Yeah. Okay. Sir, it's... Mr. Randeep Surjewala, you are casting aspersion that I am instigating them. That is not expected of a senior member like you. Sir, point of order. As per rule 258, sir, it's very shocking to see the parliamentary democracy getting totally murdered on the floor in your presence. Sir, what is the role of LOP? Well, LOP is being requested to speak. Time and again, he is being interfered and interrupted by the leader of the house. Where is the prestige of LOP? Where is the prestige of LOP? LOP has got every right to speak out, but he is being interrupted. Good. Yes. Sir, what is your point of order? I am from Northeastern region, sir. Very first day, I have given the notice of discussion, short duration discussion of 176, sir. I am from Northeastern region, sir. I want to discuss this issue immediately. I have given the notice, sir. All right, one more. What have you to say? 1 second. Just 1 second. I'll take 30 seconds. Sir, on the 70... What is your precise point of order? Sir, permit me, sir. Chairman, sir. Thank you, sir. What is your point of order? I am coming to that, sir. I am quoting an extremely important precedent of this house. A precedent that was established, sir, a precedent that was established on the 17th of August 2012. The chairman of the Rajya Sabha made the following announcement. Okay. I have to inform the members that I have received requests from several quarters to suspend the question hour and to take up the discussion on the topic of attacks on migrants from northeast regions of the country in various states. In the light of the request made, I have decided to suspend the question hour and take up this discussion immediately. So those attacks were lesser in magnitude than what is happening in Manipur today. So Manipur, therefore, Manipur. If the previous discussion on Manipur must happen. That's my submission. It is not a point of order worth consideration even. No, I'm so sorry. Dr. Keshav. You have asked a question to Mr. Chidambaram as to how could you say how I have robbed it. He has given you the history. Who? Mr. P. Chidambaram, the honourable member. I think there was quietness to that issue. No, but I am there. Sir, because you said how. Sir, that is already... He replied in his own humility. Dr. Keshav, that is already bandaged. No, I am telling you how. How he has asked a question. How did you... Not allow it. No. Having said, it is right. He said, how could you? He is as much a luminary as you are. You are equally luminary as far as law is concerned. No, but let me tell you. Let us be clear on the fact. See, I want to be insincere with this. Please, you can analyze a sentence. What I said, how could you stop it? Having said two things. One is the precedent. What is the precedent, sir? It is not the rule number. It is that rule says... suspend all the business and take up a particular issue, which means the seriousness of the nation. Nation should be involved in this parliament to discuss a particular issue is suspending all the rules. Over 176, which only discusses an issue. So he said, having given the precedent, number two, an unprecedented issue, thing has come where 50 people had asked for the same subject, which means it reflects the concern of the entire nation. And you have appreciated the two points. You appreciated the priority to be given to 238 and also the
unprecedented number who came, and you said it is rightly too. Rightly too. Having said that, I'm also at a loss to understand as to how you could back. I'm again using the word, how could you go back as a luminary as to what? There are two things. One is rules are rules, but them some are gone by words and some go by spirit. Here, it is the spirit of the 278 and also spirit of the 51 people who have given it to you, 67. And the 267, and also your acceptance, praising our Derek for bringing the light, whatever it is. Having said that, I am also at the last to understand how could a chairman with this kind of a legal knowledge could go back? Is a question. It's a question because law has. This is a how. This is not, sir. This is not, please, sir. Okay, sir. Sir, this is not a house of records. This is not a house of records. This is only where we discuss and you come to a conclusion based on the moralities and morals of law. Yes, sir. Thank you, sir. आपने मेरे बातों को सर मन नाम दिया था आपने सर लेट मी सर ऑर्डर लास्ट यू आर द लास्ट देन एलओपी प्लीज कंक्लूड सर ऑर्डर इज नॉट प्रिवेलिंग इन द हाउस सर बिकॉज यू आर नॉट गिवन एनी रूलिंग ऑन रूल ऑन अवर नोटिसेस ऑन अंडर रूल 267 बिफोर यू गेव अ रूलिंग There was something, you adjourned the house. Even after that, you have not given any ruling, whether you have accepted it or you have dismissed those motions. And when he said, when 267 as a precedence, he asked, how can you do it? It is, how can you do it, sir? Not how can you do it. The tone is there. The tone speaks there. So it was not, it was a plea to the chairman, how can you do it? So, sir, first of all, we need to know what is your ruling on our notices under Rule 267. Without that, the House will not be ordered. Without that, the question of the House cannot be taken up. Sir. That's, I think, you are the protector of us and the House, sir, and the rules. Thank well, you. Let me... Sir, let me indicate, let me indicate to Mr. Tirutheshiva, I have already indicated... No, my ruling on Rule 267 notices today. You perhaps were not aware of it. Ask your friends. No one, now only leader of opposition. No one. No, no one. Only leader of the opposition. No, no, please. No, 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 no. Only leader of opposition. Sorry, please. Sir, देखिए, my. आप कब कहते हैं तभी मैं उठता हूं अब जब आप प्लीज मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस तभी मैं बोलता हूं लीडर ऑफ अपोजिशन एंड आई मस्ट सेंसी की कोई वैल्यू नहीं है जब मैं बात कर रहा था तो मैं जब ओनली कर रहा था ओनली लीडर ऑफ अपोजिशन मैं जब बात कर रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस उठकर कहे टेक योर सीट प्लीज टेक योर सीट टेक यस नाउ सर मैं प्लीज 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 मैं चंद बातें आपके सामने रख रहा था तब लीडर ऑफ द हाउस सडनली उठ गए और नहीं नहीं उठ गए लेकिन अब मुझे सिखाए आप हार्ट इधर है उधर पूरा हार्ट आप घुमा के उससे उधर उधर इधर ही है इधर ही है नहीं नहीं उधर चले जाते जाने दो मैं किधर भी वो छोड़ दीजिए मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूँ जब इतनी कोशिशें हमारी हो रही सर, और आपने, वो आपने हार्ट की बात की इस हाउस आई नरेट एन इंसिडेंट सर यू वेरी सिट मिस्टर पीलू मोदी वन सेकेंड मिस्टर पीलू मोदी वॉज मेंबर ऑफ दिस हाउस Mr. Pilu Modi was member of this house. One second, please. Mr. Pilu Modi was member of this house and then an objection was raised. Why are you showing your back to the chair? And Mr. Pilu Modi said, I am round. I have heart on both sides, sir. So you are also subject to medical examination. Main, ab, aap aisi baat,
नहीं मुझे आप राउंड है क्या स्टेट है मुझे कोई उसका संबंध नहीं। पीलू मोदी को तो देखता था वो उठते ही नहीं थे जब मैं सुनता था। ठीक है सभी लोगों मेरा एक ही पॉइंट है सर 50 लोग सतत इस 267 पे डिस्कशन करने के लिए तैयार और वो 176 पे डिस्कशन करने के लिए वो तैयार है। तो जब इतने लोग 267 पे बात करने के लिए तैयार आप जब वो उस पे जो बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? कम टू द पॉइंट सर। नहीं नहीं वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। और नहीं आप देखो सर This is not a matter to be politicized. It's a matter to have a heart. संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप। सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते। पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती। बजाय के आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना और देश देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर आप पे संवेदनशीलता है, अगर आप पे वो दिल है तो आप तुरंत चर्चा शुरू करिए और सबके सामने आपके कारनामों के बारे में पूरा पता चले। Let there be order in the house. Let there be order in the house. To listen to us. The house will meet at 2 p.m. today.